पार्श्व अंतर्नियम की डेफिनेशन वगैरह इससे पहले वाली वीडियो में हमारी कंप्लीट हो गई है, तो आप लोग पिछली वीडियो जाकर जरूर देख लें जिससे आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो। आज की वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे सीमा पार्श्व नियम और पार्श्व अंतर्नियम में अंतर, इन दोनों में क्या अंतर है। ये हमारा बहुत मोस्ट और इम्पोर्टेंट है जो कि एग्जाम में आता है। अब आप लोगों को थोड़ा सा हम सीमा पार्श्व नियम के बारे में समझा देते हैं और थोड़ा सा अंतर्नियम के बारे में समझ सकते हैं, इसके बाद अंतर को क्लियर करेंगे। देखिए पार्श्व सीमा नियम, पार्श्व सीमा नियम क्या होता है हमारा, पार्श्व सीमा नियम सीधी सी बात है कि कंपनी का ऐसा प्रपत्र होता है जो कंपनी खुलने से पहले केवल प्रपत्र बनाना पड़ता है, उस प्रपत्र को हम गवर्नमेंट के पास जमा करते हैं, गवर्नमेंट जब सीमा पार्श्व नियम को पास कर देती है उसके बाद ही हम अपनी कंपनी को खोल सकते हैं। तो सीधी सी बात है कि सीमा पार्श्व नियम का मतलब हुआ कि जो हम कंपनी खुलने से पहले जो सबसे पहला प्रपत्र बनाते हैं, कंपनी कहाँ खुल रही है, कौन कौन कंपनी में पार्टनर है, किस स्थान पर खुल रही है, क्या प्रोडक्ट है, क्या उद्देश्य है, कहाँ कंपनी खुल रही है, किस कार्यालय में रजिस्टर है, क्या नाम है कंपनी का, सारी बातें हमारी पार्श्व सीमा नियम में लिखी जाती है। अब सारी बातें जब हमें पार्श्व सीमा नियम में लिखी जाती है फिर उस सीमा पार्श्व नियम को हम गवर्नमेंट के पास जमा कर देते हैं, जब गवर्नमेंट हमारे प्रपत्र को पास कर देती है उसके बाद ही हम अपनी कंपनी को ओपन कर पाते हैं। तो दूसरा है हमारा अंतर्नियम, पार्श्व अंतर्नियम, पार्श्व अंतर्नियम क्या होता है, जो हमारे हमारे पास
साथ ही आपको हम बता दें कि जो डे बाय डे आपको टॉपिक्स वाइज जो कुछ वीडियोस बनाई जा रही है तो आप लोग उन्हें नोट्स तैयार करते जाएं, जिससे आपको परीक्षा के समय में